हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टॉक बैक सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टॉक बैक सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसके इस ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा टॉकबैक पे सिलेक्ट करना है। अब ये टॉकबैक का पेज ओपन होगा ना, इस पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा टॉकबैक शॉर्टकट ऑफ, इसके नाम के ऊपर ही आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक टॉकबैक का न्यू पेज ओपन होगा, इस पेज को ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है तो आपको नीचे ये अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, अलाउ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपका टॉकबैक शॉर्टकट का एक न्यू पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूं, इसके बाद आपको ये बॉक्स में राइट लग जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको नीचे सेव का बटन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये टॉकबैक सेटिंग इनेबल हो जाएगी, यानी कि ऑन हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आपकी टॉकबैक सेटिंग ऑन होती है तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक ये बटन आपका शो हो जाता है, ये फ्लोट करता है आपका बटन, ये टॉकबैक का शॉर्टकट बटन है, ठीक है। अब आप इस सेटिंग को कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस सेटिंग को आप किसी भी पेज पे, किसी भी एप्लीकेशन में, सब जगह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, देखिए, इस बटन को आपको एक बार दबाना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ या ओपन या क्लोज या फिर बैक पेज पे या फिर आगे पेज पे आपको जाना है तो आपको पहले तो हर ऑप्शन को एक बार दबाना है, उसके ऊपर एक ग्रीन लाइन बन जाएगी, एक बार दबाएंगे तो इस तरीके की, ठीक है। जब ग्रीन लाइन बन जाएगी ना, फिर उसके ऊपर आपको डबल टैप करना है, यानी कि दो बार लगातार दबाना है, तब जाके वो ऑप्शन आपका ओपन या क्लोज या ऑन या ऑफ या आगे पेज पे या पीछे पेज पे जाएगा। जैसे ये देखिए, मैं बैक बटन यहाँ पे अपने मोबाइल फोन का एक बार दबाऊंगा, तो आपने देखा यहाँ पर जो है ना, मैंने बटन को एक बार दबाया, बैक बटन को, फिर मैंने उसके ऊपर डबल टैप किया, ठीक है, तब जाके ये बैक पेज पे आया। अब आपको अगर मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है ना, अगर आप एक उंगली से करेंगे तो एक उंगली से नहीं होगा, आपको करना क्या है, किसी भी हाथ की दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, तभी आपकी स्क्रीन जो है ऊपर नीचे होगी, ये देखिए, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना, इसी प्रोसेस के जरिए आप अपने पूरे मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस बटन को जो है ना सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे तो इसे मैं ऑफ करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रोसेस के जरिए आप इस बटन को ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है। अगर आप किसी भी अननोन पर्सन को अगर ये सेटिंग ऑन करके अगर दे देंगे तो इस सेटिंग का, इस मोबाइल फ़ोन का ना यूज़ नहीं कर पाएगा, अगर जब तक उसको ये सेटिंग पता ना हो तो, ठीक है।